और अब खबरें विस्तार से। मुरैना में मुक्तिधाम नहीं होने की वजह से बारिश के बीच खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ा है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जहां गांव में मुक्तिधाम नहीं होने की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दरअसल मंगलवार को लक्ष्मीबाई माहौर नाम की महिला की मौत हो गई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से उनका अंतिम संस्कार ही नहीं हो पाया। कई घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। बारिश रुकने के बाद ग्रामीणों ने जंगल में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिर क्या वजह है जो यहाँ व्यवस्थाओं का अभाव है, इस तरीके से अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये पहली पंचायत नहीं है इसमें मुक्तिधाम नहीं हो। इसी महीने लगभग 5 से 6 तस्वीरें इस तरीके की अलग अलग पंचायतों से सामने आई हैं। इनमें मुक्तिधाम नहीं है, कहीं मुक्तिधाम नहीं है तो कहीं मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जिस वजह से लोग कीचड़ में दलदल में होकर के निकल रहे हैं कहीं सब यात्रा को लेकर, तो कहीं खुले आसमान में टीन लगा करके, टीन सेट करके अपने स्तर पर तिरपाल लगा करके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूरी पर जो घोसपुर पंचायत है उसके छत्ते के पुरा से सामने आया है, जहां 70 वर्षीय एक लक्ष्मी माहौर नाम की महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से परिजनों को 5 घंटे बारिश थमने का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद शांतिधाम गांव में नहीं होता है, जिस वजह से जंगल में ले जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं जब बारिश बंद हो जाती है तब जाकर के। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं का अभाव है, और सिंगल इसी पंचायत में नहीं बल्कि चाहे तो पहाड़गढ़ ब्लॉक की बात की जाए या अंबा ब्लॉक की बात की जाए या फिर सबलगढ़ ब्लॉक की बात की जाए, ऐसे 3 से 4 ब्लॉक ऐसे हैं, इनमें 50 से 60 पंचायत ऐसी हैं इनमें कहीं शांतिधाम नहीं है तो कहीं रास्ता नहीं है शांतिधाम तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर नेट विवाद से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कल देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए 2 दिनों के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतिम फैसला सुरक्षित भी रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकता है। चीफ जस्टिस का यह भी कहना है कि हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर बदल जाए। इसके साथ ही फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए कोर्ट ने कहा है कि विकल्प नंबर 4 को ही सही माना जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसके कारण पूरी मेरिट लिस्ट पर फर्क पड़ेगा। किस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है। कुछ विषय मैंने कल पार्लियामेंट में कहा भी है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष करके नौजवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसने क्या किया है, यह ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो अपना हिसाब दिया कि हमने पब्लिक एग्जामिनेशन को सुचिता के साथ जोड़ने के लिए कानून भी लाया, जिन लोगों ने 2010 में कानून ला के वापस कर लिए उनको ही उत्तर देना पड़ेगा, किसकी दवा में आपने कानून ला के आप उसको वापस किए थे। विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई, विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना,
उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, ये उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही कहा कि इस मामले में विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस और डीएमके को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आखिरी सवाल मेरा नीट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, सरकार जो बार बार कह रही थी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही आया है, आप क्या कहना चाहते हैं, लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है, व्हाट्स योर टेक? जैसे मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था सत्यमेव जयते, यही सही रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से यह एग्जाम दिया था, कुछ छोटी घटनाएं हुई थी कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर्स पे, एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती थी, उस पर सरकार भी कड़ी कार्रवाई ले रही है, कर रही है। कुछ बच्चों का तो री एग्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सीबीआई जांच के द्वारा की जा रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट इसके लिए बार बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो। इसमें डीएमके जैसे पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। उनको जो सामान्य स्टूडेंट्स को आज लाभ मिल रहा है, बिना कैपिटेशन फी पे करे, जो आज गरीब से गरीब व्यक्ति आज नीट का एग्जाम देके मेडिकल कॉलेज में भर्ती ले पाते हैं, विशेषकर जो मातृभाषा में एग्जाम देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है, उससे एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं उसको भी जो मौका मिल रहा है, उससे ये बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस जो राजनीतिक प्रभाव में रहे कुछ राज्यों में, उससे डीएमके का और कांग्रेस का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ। जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज आपने नाम लिया वो री एग्जामिनेशन के लिए भी बोल रही थी, अगर वो री एग्जामिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों छात्रों का भविष्य भंवर में लटक जाता। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने तब चुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है? आज आप उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो री एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे थे? मैंने जैसे बताया उनका पर्दाफाश हुआ है, उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ और कुछ ही चंद कॉलेजेस का लाभ करने का हेतु था, वो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो गए। जी जी। और आज उन्होंने माफी मांगनी चाहिए देश से, जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट में भी हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और देश को भ्रमित करने की कोशिश की, कांग्रेस और डीएमके ने विशेष माफी मांगनी चाहिए देशवासी। देशभर में बारिश का दौर जारी है, एमपी छत्तीसगढ़ भी तरबतर है। एमपी के 27 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है तो छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया डूब चुके हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, गांव से लेकर शहर तक हर ओर सैलाब ही सैलाब है। नदी नाले उफान पर है, पुल पुलिया डूबे हुए हैं। इस दौरान लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आ रहे हैं। सिवनी की ये तस्वीरें देखिए, ये युवक बाइक से रपटा पार करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। रपटा पानी में डूबा है लेकिन इसके बाद भी युवक जान को जोखिम में डाल रहा है। लेकिन रपटा पार करना इस युवक को भारी पड़ गया, बाइक के साथ युवक तेज धारा में बह निकला। बालाघाट में भी बाढ़ के हालात हैं, यहाँ वेनगंगा नदी में उफान है। प्रशासन ने नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया है, तहसीलदारों, खाद्य अधिकारियों, थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। यहाँ भीमगढ़ बांध के 7 गेट खुले हुए हैं, इन गेटों से लगातार 70,000 घन फीट जल प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। तेज बारिश के बाद जिले में स्कूल में एक दिन की छुट्टी भी की गई। नरसिंहपुर में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश के बाद हालात खराब हो गए। बारिश में गोटेगांव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड बहने से
10 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। अशोकनगर में मुंगावली ब्लॉक में 3 घंटे के अंदर 5 इंच बारिश हो गई। इस बारिश के चलते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूटा है और नेशनल हाईवे 346 पर यातायात बंद पड़ा है। लोग छतों पर बैठकर बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। उधर दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। सुभाष कॉलोनी और मुस्की बाबा इलाके में नाव चल रही है और इसके जरिए महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। राजनगर इलाके में एक कार बहकर नाले में पहुंच गई। जबलपुर में बारिश से नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। नदी में आए तूफान से नर्मदा के घाट डूबे हुए हैं। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी आ गया है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के घाट पर जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी में बोट चलाना भी बंद कर दिया गया है। उधर बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम को अलर्ट किया गया है। भाटापारा के सेमरिया घाट पर पुल के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके बाद लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। बालौद में कार सवार 6 लोग डूबने से बाल बाल बचे, हालांकि उनकी कार नाले में बह गई। घटना बालौद थाना क्षेत्र की है। दुर्ग जिले के धनोरा गांव के रहने वाले 6 लोग कार से बालौद के बरही गांव आए थे। लौटते वक्त साकरा गांव के पास उफनते नाले को पार करने की वे कोशिश करने लगे। इस दौरान कार तेज धारा में बह गई। गनीमत रही कि सभी लोग समय रहते कार से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी कार पानी में बह गई। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले जिले में उफान पर हैं। धमतरी के नरहरा वाटरफॉल की तस्वीरें भी देखिए, यहाँ भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश के बाद पहाड़ी झरना नदी में तब्दील हो गया। पानी की धारा काफी तेज है। प्रदेश के ज्यादातर जल प्रपातों में यही नजारा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मानसून की बारिश आफत बन चुकी है और इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में आने वाले दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने इन राज्यों में 23 जुलाई से 26 जुलाई तक तेज और भारी बारिश का अनुमान जताया, जिनमें गुजरात से बाढ़ और बारिश की सबसे हाहाकार वाली तस्वीरें सामने आई जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अलग अलग इलाकों की कच्छ, द्वारका, राजकोट, सूरत, जूनागढ़ और द्वारका में ये हाल बना हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।